कोई चिट्टा, कोई कुछ, कोई कुछ। इन्होंने हमारे जो है यूथ को पूरी तरह से जो है वो बर्बाद कर दिया है। हाँ, इन आते नहीं कुछ सीखना आया, चाहे कुछ भी हो। तू जो पता मैं कुछ राज्य की गल करी रही, बड़ा उग्र इनका स्वभाव होता है। बाइक का प्रॉब्लम पर भाई हो हल्ला कराए, ड्रग्स कराए, पता नहीं केड़ी केड़ी शराबा पिए, पर भाई उत्पात मचाए रहा हुआ इन्हें। से बड़ी अच्छी गल इसे। और अगर आप देखे शहरों में कितनी ज्यादा गंदगी होती है, कैसी कैसी बीमारियां, कैसे कैसे वायरस, कैसे कैसे डेंगू, कैसे कैसे रोग, कि आप कल्पना नहीं कर सकते कैसी गंदगी से कैसे कैसे रोग होते हैं। तो हमारी जो ग्रामीण जीवन शैली है ये बहुत ही अच्छी शैली है। जैसे कि प्रधान जी ने भी कहा कि आहार ऐसे जे आगे पिछड़े राज्य उठाते नई नई चीजा लग रही हरे थी आने, कोई चिट्टा, कोई कुछ, कोई कुछ। इन्होंने हमारे जो है यूथ को पूरी तरह से जो है वो बर्बाद कर दिया है। हाँ, इन आते नहीं कुछ सीखना आया, ये चाहे चिट्टा हो, चाहे उग्रता हो, चाहे कुछ भी हो। तू जो पता मैं कुछ राज्य की गल करी रही, बड़ा उग्र इनका स्वभाव होता है। बाइक का प्रॉब्लम पर भाई हो हल्ला कराए, ड्रग्स कराए, पता नहीं केड़ी केड़ी शराबा पिए, पर भाई उत्पात मचाए रहा हुआ इन्हें। तो उससे जो है मैं ये कहूंगी कि हमारे हिमाचल वासियों का जो अपनी जो संस्कृति है, हमारा अपना जो ग्रामीण कल्चर है, हमारे अपने जो बच्चे हैं वो किसी तरीके से जो है इनके प्रभाव में ना आए। हमें जो ये संकल्प करना है, चाहे स्वच्छता हो, हमें अपने गांव की, अपने पशुओं की स्वच्छता बनाए रखनी है। और स्वच्छता सिर्फ बाहरी नहीं होती है, स्वच्छता अंदर भी, स्वभाव की स्वच्छता भी होती है, संस्कार की स्वच्छता भी होती है। हमारी ये जो आप देखते हैं टीवी पे देखते हैं कि कैसी कैसी अनर्थ बातें सुनने को मिलती है, चाहे बंगाल में हो चाहे कहीं हो, जी बेटी को पकड़ा और जी रेप कर दिया, उसके कई टुकड़े किए, क्या हम सोच सकते हैं हिमाचलवासी, क्या कल्पना भी कर सकते हैं इस तरह के काम करने की। हिमाचल एकमात्र ऐसा प्रदेश है कि वहां पे अगर रात के 8-9 बजे कोई बेटी जो है घर जा रही हो, और अगर हिमाचली गाड़ी होनी चाहिए वो लिफ्ट मोले कि भैया या अंकल मुझे यहाँ छोड़ के आओ, तो मुझे लगता है पूरे देश में एक ऐसा राज्य है वो बेटी को घर छोड़ के आएंगे। ये सिर्फ हमारे हिमाचल प्रदेश